नमस्कार दोस्तों, तो चलिए आज के प्रमुख खबरों को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खबरों को शुरू करने से पहले हेडलाइंस को जान लेते हैं। तो लाडली स्कीम, इस योजना में हर जो है वर्ष परिवार को मिलेंगे 5,000 रुपये, तो ऐसे उठा सकते हैं फायदा। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे। साथ ही साथ अगला अपडेट है, बिहार में फ्लोट से 9 लाख से ज़्यादा लोग हुए प्रभावित, वाहनों का परिचालन हुआ बंद। जी हाँ, इसी के साथ अगली जो है 21 ईयर्स ऑफ कारगिल वार, दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ अगली खबर है, कोरोना वायरस सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। अगली खबर है, असम और बिहार में बाढ़ से राहत नहीं, हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान की चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर आपको बताएंगे, बने रहिए वीडियो में। तो साथ ही साथ अगला अपडेट है, IIT खड़गपुर ने बनाई कम कीमत वाली कोरोना टेस्ट किट, सिर्फ 400 रुपये में जाँच और 1 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पूरी खबर बताएंगे अगली अपडेट है। साथ ही साथ नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला मामला, महामारी शुरू होने के करीब 7 महीने बाद संदिग्ध मरीज मिला। तानाशाह किम ने साउथ कोरिया में सटे जो है शहरों में इमरजेंसी लगाई। तो अगला अपडेट है, साथ ही साथ स्टुअर्ट बराट ने तीसरे टेस्ट में 8 शतक लगाने ही इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। जी हाँ दोस्तों, तो साथ ही साथ अगला अपडेट और है, लद्दाख हॉट स्प्रिंग गोगरा से हटी चीनी सेना, तो पेंगोंग पर जल्द होगी बातचीत। तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम विस्तारपूर्वक जानते हैं। दोस्तों इससे पहले, इस वीडियो को हमें बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है, तो आप इस वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए पूरी खबर हम विस्तारपूर्वक जानते हैं। तो हरियाणा लाडली योजना 2020 महिला और बाल विकास मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के सहयोग से हरियाणा लाडली योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस योजना का मकसद प्रदेश की बेटियों के जन्म यानी स्कीम फॉर डॉटर को प्रोत्साहित करना है। तो और साथ ही साथ कोई अपनी बेटियों को बोझ ना समझे बल्कि उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के सोचे। तो इस योजना के तहत बालिकाओं को शिक्षित व सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार इस योजना के तहत बेटियों को शिक्षा मुहैया कराने के लिए आर्थिक मदद करती है। तो क्या है हरियाणा लाडली योजना? तो बता दें कि विशेष रूप से जिन माता पिता की 2 बेटियाँ हैं उनके लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी। तो जिसके तहत 20 अगस्त 2005 को या उसके बाद बेटी के जन्मी बेटी और माता के नाम पर 5,000 रुपये की वित्तीय सहायता किसान विकास पत्रों के जरिए प्रतिवर्ष परिवार को निवेश, यानी बता दें कि बेटी की उम्र 18 वर्ष होने पर निवेशित राशि जारी की जाएगी। तो चलिए बढ़ते अपने अगले अपडेट की तरफ। तो बिहार में फ्लोड यानी 9 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित, वाहनों का परिचालन हुआ बंद। 9,60,000 से अधिक प्रभावित है। तो गंडक और कोसी नदी उफान मार रही है। तो बिहार में बाढ़ के कारण 10 जिलों के 74 प्रखंडों की 529 पंचायतें लगभग जलमग्न हो चुकी है, जिसकी वजह से 9,60,000 से अधिक लोग बाढ़ की जद में हैं। तो बिहार में बाढ़ की वजह से अभी तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित इलाकों में मुजफ्फरपुर में साहेबगंज, गंडक, पारू और सरैया में कहर मचा रखा है। तो कटरा, औराई और गायघाट में बागमती बने हुए हैं। जानकारी के अनुसार बूढ़ी गंडक जलस्तर बढ़ने के मुजफ्फरपुर के निचले इलाके में पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। तो प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया है, जबकि बाढ़ प्रभावित कुछ लोग NH पर शरण लिए हुए हैं। तो मिथिलांचल में बाढ़ से हालात काबू से बाहर हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते अपने अगले अपडेट की तरफ। तो 21 ईयर्स ऑफ कारगिल वार यानी दिल्ली में नेशनल वार मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे रक्षा मंत्री और तीनों सेना प्रमुख। तो जो जी हाँ दोस्तों, तो राजधानी दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और CDS सहित तीनों सेना प्रमुखों के साथ श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो कारगिल विजय दिवस पर हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। तो 1999 में कारगिल युद्ध लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई को उसका अंत हुआ। तो इसमें भारत की विजय हुई। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद हुए जवानों को सम्मान दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते अपने अगले अपडेट की तरफ। कोरोना वायरस यानी सैनिटाइजर का ज़्यादा इस्तेमाल हो सकता है खतरनाक, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की चेतावनी। तो पूरा देश इन दिनों कोरोना महामारी से लड़ रहा है, तो इस बीच सैनिटाइजर को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चेतावनी जारी की है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे हैंड सैनिटाइजर का अधिक उपयोग न करें, इसका बहुत अधिक उपयोग हानिकारक भी हो सकता है। तो ऐसा देखा गया है कि सैनिटाइजर का उपयोग पिछले 6 महीनों से हमारी ज़िंदगी में बढ़ गया है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले अपडेट की तरफ। तो असम और बिहार में बाढ़ से राहत नहीं, हिमाचल प्रदेश में आंधी तूफान की चेतावनी। तो असम और बिहार में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति भयावह बनी रही है। तो वही पूर्वोत्तर राज्य में 1 व्यक्ति की मौत हो गई है। तो दोनों ही राज्यों में करीब 36 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने पूर्वोत्तर राज्यों में आने वाले दिनों में भी भारी बारिश का अनुमान जताया है। तो जबकि देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में भी हल्की बारिश का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते अपने अगले अपडेट की तरफ। तो IIT खड़गपुर ने बनाई कम कीमत वाली कोरोना टेस्ट किट, सिर्फ 400 रुपये में जाँच और 1 घंटे में मिलेगी रिपोर्ट। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT खड़गपुर के अनुसंधानकर्ताओं ने कोविड-19 संक्रमण की त्वरित जाँच
के लिए कम कीमत वाला एक उपकरण विकसित किया है और दावा किया है कि इससे गरीबों को लाभ होगा। तो परियोजना का नेतृत्व कर रहे दो व्यक्तियों में से एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर सुमन चक्रवर्ती ने शनिवार को डिजिटल माध्यम से मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड ऐप नामक उपकरण से मात्र 400 रुपये में तुरंत जांच की जा सकेगी और एक घंटे के भीतर जांच का नतीजा मोबाइल ऐप पर देखा जा सकेगा। तो जी हां दोस्तों, चलिए बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो नॉर्थ कोरिया में कोरोना का पहला मामला, महामारी शुरू होने के करीब 7 महीने बाद संदिग्ध मरीज मिला। तो तानाशाह किम ने साउथ कोरिया से सटे शहर में इमरजेंसी लगाई। तो कोरोना महामारी शुरू होने के करीब 7 महीने बाद नॉर्थ कोरिया में संक्रमण का पहला संदिग्ध मामला सामने आया। तो इसे गंभीरता से लेते हुए तानाशाह किम जोंग ने उन्हें साउथ कोरिया से सटे किसांग शहर को लॉकडाउन करने का आदेश दिया है। तो सरकारी मीडिया के मुताबिक संदिग्ध संक्रमित एक भगोड़ा है। वह 3 साल पहले नॉर्थ कोरिया छोड़कर भाग गया था। वह 19 जुलाई को गैरकानूनी तरीके से सीमा पार कर देश में पहुंचा था। तो मामला का पता चलते ही उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने शनिवार को पोलित ब्यूरो की इमरजेंसी बैठक बुलाई। तो इसमें किसांग ने इमरजेंसी लगाने के साथ ही टॉप क्लास अलर्ट जारी करने का फैसला किया गया है। तो अब उन लोगों की पहचान की जा रही है जो इस संदिग्ध के संपर्क में आए हैं। तो इन सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। तो चलिए साथ ही साथ बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो स्टुअर्ट ब्रॉड ने तीसरे टेस्ट में 8 दशक लगाते ही इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली। तो मैनचेस्टर स्टुअर्ट ब्रॉड ने ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर विंडीज के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन शनिवार को 9वें नंबर पर आकर बेहतरीन 8 दशक जमाया और इसी के साथ एक रिकॉर्ड अपने नाम कर ले गए। तो ब्रॉड इंग्लैंड के लिए टेस्ट में संयुक्त रूप से तीसरे सबसे तेज 8 दशक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए। तो ब्रॉड ने इस मैच में 33 गेंदों पर 8 दशक जमाया। तो ब्रॉड ने इस मैच में 45 गेंदों पर 9 चौके और 1 छक्के की मदद से 62 रन बनाए। तो चलिए बढ़ते अपने अगले खबर की तरफ। तो लद्दाख हॉट स्प्रिंग गोगुरा से हटी चीनी सेना, पेंगोंग पर जल्द होगी बातचीत। तो भारत और चीन पूर्वी लद्दाख के पेंगोंग सो इलाके से चीनी सैनिकों की वापसी का तरीका तय करने के लिए अगले सप्ताह उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता कर सकते हैं। सरकारी सूत्रों ने शनिवार को इस आशय की जानकारी दी। तो क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए लक्ष्य से पूर्वी लद्दाख में संघर्ष वाली जगह से सेनाओं की वापसी को लेकर अभी तक दोनों देशों की सेनाओं के शीर्ष सैन्य कमांडरों के बीच 4 चरण की वार्ता हो चुकी है। तो सूत्रों ने बताया कि सैन्य और राजनयिक स्तर पर फिलहाल चल रही वार्ता के परिणाम स्वरूप पूर्वी लद्दाख के गश्ती बिंदु 14, गलवान एरिया 15 और 17 ए हॉट स्प्रिंग गोगरा से सेनाएं पूरी तरीके से अपनी अपनी जगह लौट चुकी हैं। सूत्र ने बताया कि पेंगोंग सो वाले इलाके से सेनाओं की पूर्ण वापसी का तरीका तय करने के लिए अगले सप्ताह सेना के शीर्ष कमांडरों की बैठक होने की संभावना है। तो चलिए दोस्तों, आज की खबर हमारी समाप्त होता। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।